एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23rd ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि हम इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल 20 जुलाई को, ठीक है, क्योंकि इसी दिन ह्यूमंस ने पहली बार मून पे कदम रखा था इन द ईयर 1969, ठीक है। और यही वो दिन था जब अपोलो 11 को लैंड करवाया गया था मून पे, ठीक है। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से हम 20th ऑफ जुलाई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल मून डे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022? तो इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। What is the theme of the 2022 World Accreditation Day? इसको हर साल हम मनाते हैं 9 जून को, और इस साल के लिए थीम थी Accreditation, Sustainability in the Economic Growth and the Environment, ठीक है। What is the theme of the National Doctors Day 2022? इसको हर साल हम मनाते हैं 1st of July को, और इस साल के लिए थीम थी Family Doctors on the Frontline। देखिए, ये सब जो ऐसे मैं लिख देती हूँ, आप सोचते होंगे इसको खोल के क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इतनी बार रिवाइज कर लिए हैं कि अब तक टिप पे होना चाहिए आपके, राइट। फिर भी जो लोग यहाँ पे नए हैं तो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ मैंने बोला था, जैसे यहाँ मैंने फ्रंट लाइन बोला था, है ना, तो उसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर। वॉट इज़ द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? तो इस वीक के लिए थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, ओके। और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कहाँ से? गांधीनगर, गुजरात से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? इसको एक्चुअली हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट सैटरडे को जुलाई मंथ में, ठीक है। और इस साल ये किस दिन फॉल किया? फिर 2nd ऑफ जुलाई को, ओके। और इस साल के लिए थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। What was the theme for International Day of Yoga 2022? हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21st ऑफ जून को, और इस साल के लिए थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। और याद रखिएगा, जो इसका मेन सेलिब्रेशन था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, वो कहाँ पे हुआ था? मैसूर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट स्लैश्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड विंडफॉल टैक्स ऑन विच प्रोडक्ट? देखिए, विंडफॉल टैक्स एक तरह का टैक्स होता है जिसको उन कंपनीज पे लगाया जाता है जिनका माना जाता है कि उनको अनरीजनेबली हाई प्रॉफिट हुए हैं उस साल में, ठीक है। और ये किस वजह से? ड्यू टू अनयूजुअल फेवरेबल मार्केट फैक्टर्स, फाइन। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने जो ये विंडफॉल टैक्स है इसको इम्प्लीमेंट किया है पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और क्रूड ऑयल वगैरह के प्रोडक्ट्स पे। और ये जो मूव है ये कब से इफेक्टिव हो गया है? 20th ऑफ जुलाई से, ठीक है। इसके थ्रू रिलीफ मिलेगा टॉप फ्यूल एक्सपोर्टर्स को, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सप्लोरर्स लाइक ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल एंड क्रूड ऑयल। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिसेस एक बार देखते हैं। व्हाट पोजीशन डज न्यू दिल्ली होल्ड इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022? तो इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, और इसमें न्यू दिल्ली की रैंक थी 112th, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें मुंबई, और मुंबई की रैंक थी 117th। इसके अलावा मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसमें टॉप पे कौन सी सिटी थी, आपको कमेंट्स में उसका नाम लिखना है। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो इसमें थी इंडिया की रैंक 37th,
ठीक है, और इसमें टॉप थ्री कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट थी डेनमार्क, सेकेंड थी स्विट्जरलैंड और थर्ड था इसमें सिंगापुर. ओके, हु इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स. देखिए, अगर हम रिचेस्ट मैन एशिया से बात करेंगे तो इसमें टॉप पे थे मुकेश अंबानी, उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे थे गौतम अदानी. ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, मतलब रिचेस्ट मैन पूरी दुनिया में, तो ये हैं एलॉन मस्क, टेस्ला के सीईओ, और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे हैं जेफ बेसोस. ठीक है, इन द ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स डेनमार्क केम इन द फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स वेयर डज इंडिया रैंक. तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पोजिशन पे रहा. आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या थी. इंडिया एक्चुअली इसमें बॉटम पोजिशन पे था और हमारी रैंक थी 180th. ठीक है, तो 180 कंट्रीज इसमें रैंक हुई और हम इसमें सबसे नीचे पोजिशन पे थे. विच स्टेट टॉप्ड द रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? आंसर हो जाएगा ओडिशा. ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे था इसमें उत्तर प्रदेश और थर्ड पे था आंध्र प्रदेश. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप 2022? एक्चुअली इस कॉन्क्लेव को लॉन्च किया गया था 2005 में विद द सपोर्ट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, एम क्या था? इनकरेज करना कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा हो सके. कहाँ पे? अफ्रीका की कंट्रीज में. ठीक है, तो 17th एडिशन इस कॉन्क्लेव का हाल ही में कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में, और हाई लेवल डिप्लोमैट्स ने फ्रॉम अराउंड 17 अफ्रीकन नेशंस इस समिट में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू एक बार देखते हैं. विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज फर्स्ट हैकेथॉन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकेथॉन? आंसर हो जाएगा पुणे. विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? ये मीटिंग हाल ही में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु सिटी में. क्या बता सकते हैं कि इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल हाल ही में कौन सी सिटी को डिक्लेयर किया गया है? विच इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 इन इंडिया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली. विच इज द वेन्यू ऑफ 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2022? आंसर हो जाएगा पोलैंड. विच इज द वेन्यू ऑफ द 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस? इसके लिए वेन्यू था पोर्तुगल. और वर्ल्ड ओशन डे हर साल हम कब मनाते हैं? 8 जून को. ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द CBIC's नोटिफिकेशन व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ द फूड आइटम्स पैकेज अबव विच GST विल नॉट बी अप्लाइड? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने हाल ही में क्लैरिफाई किया है कि जो बड़े पैकेट्स होते हैं फूड आइटम्स के, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, सीरियल्स, राइस या फिर वीट, जिनका वेट 25 किलोग्राम या फिर 25 लीटर से ज़्यादा होता है, उन पर किसी भी तरह का GST नहीं लगेगा. ठीक है, अगर 5% की GST आप लगाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट पे, इन पल्सेस, सीरियल्स, राइस और फ्लोर पे, तो ज़रूरी है कि वो प्री पैकेज हों विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बायर, और उन पर एक डिक्लेरेशन होना चाहिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009. ओके, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इसके लिए क्राइटेरिया कितना है, 25 kgs का या फिर 25 liters का. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक बार रिवाइज करते हैं. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंपाइलेशन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ 75,000 फार्मर्स? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हाल ही में सक्सेस स्टोरीज की कंपाइलेशन को रिलीज किया है 75,000 फार्मर्स की. ठीक है, और क्यों 75 ही? क्योंकि ये कमेमोरेट कर रहे हैं इसके थ्रू आज़ादी का अमृत महोत्सव. ओके, तो इसमें उन फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है जिनकी ओवरऑल इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके अलावा अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए साइंटिस्ट और फार्मर्स को ऑन द 94th फाउंडेशन ऑफ ICAR. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिसेंटली डेवलप्ड अ सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर विच इंस्टीट्यूशंस? तो यूनियन पर्सोनल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लॉन्च किए हैं कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको डेवलप कौन करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन,
ताकि स्टैंडर्ड सेट किए जा सकें सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। नीति आयोग लॉन्च्ड द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव अलोंग विद विच इंस्टीट्यूशन। तो नीति आयोग ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है अलोंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस द भारत रंग महोत्सव 2022? इसको लॉन्च किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, और ये एक तरह की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द नॉलेज पोर्टल फॉर खादी? आंसर हो जाएगा KVIC। और ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किसने किया है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी ने, और ये जो KVIC है वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस रैंकिंग में सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे कौन से इंस्टीट्यूट थे इंडिया से, आपको इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च द व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? तो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अब SBI के कस्टमर्स हैं वो व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द लेंडर, और जो भी यूज़र्स हैं वो अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, साथ ही उन्हें मिनी स्टेटमेंट भी रिसीव होगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो SBI है वो व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को विथ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड एक बार करंट अफेयर्स देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज पर द RBI's रिसेंट नोटिफिकेशन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। तो पहले की वैल्यू थी 9%, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है इन्होंने 12%, ठीक है। और ये किसके ऊपर अप्लाई रहेगा? जो भी Tier 1 के बैंक्स हैं, मतलब जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा रहता है, ओके। इसके अलावा RBI ने एक पाथ भी प्रोवाइड किया है टिल March 2026 कि किस तरह से रिवाइज्ड CAR नॉर्म को फेजेस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं UCBs के लिए, ठीक है। और ये सब रिकमेंडेशन किसने दी है? एक पैनल ने जिसको हेड किया था NS विश्वनाथन ने, जो कि हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, फाइन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच इंस्टीट्यूशंस? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि सिंपल 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। और ये जो फ्रेमवर्क होगा ये किस पे बेस्ड होगा? साइज ऑफ डिपॉजिट पे। और एम क्या है? जिससे कि जो फिनेंशियल साउंडनेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये भी जो रिकमेंडेशन है वो किसने दी है? RBI के डिप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन की कमेटी ने, फाइन। Who has been recommended the MD of National Bank for financing the infrastructure and development? इसके लिए MD किसको बनाया गया है? G. Rajkiran Rai को। Some public sector banks have recently connected to the AA ecosystem. What is the expansion of AA? AA का full form क्या है? Account Aggregator, ठीक है। Actually बहुत सारी banks जो है connect हो चुकी हैं AA से। For example, Punjab National Bank, Union Bank of India, केनरा बैंक, इसके अलावा इंडियन बैंक, ये सब कनेक्ट हो चुकी हैं ए इकोसिस्टम से, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, BOB है या फिर यूको है, ये सब अभी टेस्टिंग फेज में हैं ए इकोसिस्टम से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। विच बैंक वॉज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाय द यूरो मनी? ये कौन सी बैंक है? DBS बैंक, ठीक है। और सेम इवेंट पे इनको 3 और अवार्ड मिले थे, क्या बता सकते हैं कि वो 3 अवार्ड कौन सी कैटेगरी में थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द टॉप सोर्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेज इन 2021? तो हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें इन्होंने ये बताया कि USA ने UAE को सरपास कर लिया है और अब वो बन चुका है हमारा टॉप सोर्स कंट्री इंडिया के रेमिटेंसेज का, ठीक है। और टोटल यहाँ से कितना रेमिटेंस आता है इंडिया में? 23% ओवरऑल का, ठीक है। तो इंडिया अभी प्रेजेंट में दुनिया की सबसे बड़ी रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस की, क्योंकि हमने रिसीव किया है $87 बिलियन 2021 में, ठीक है। और ये 4.6% का ग्रोथ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। तो जो भी शेयर है रेमिटेंसेस का गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से वो काफ़ी ज़्यादा कम
देखने को मिला हमें, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज एक बार रिवाइज करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड रिस्पेक्ट फॉर द मैरिज एक्ट? तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये बिल पास किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि मैरिज इक्वालिटी को ये प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? तो लेजिस्लेशन ने इसको पास कर दिया है, लेकिन अब ये सेनेट में जाएगा वोट के लिए। सिंपली याद रखिएगा, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूएसए से। विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स हु रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में एक डेटा रिलीज किया जिसमें इन्होंने बताया कि 1.63 लाख इंडियन नेशनल्स ने अपनी जो सिटीजनशिप है इंडिया की उसको रिनाउंस कर लिया है, मतलब कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? कब? 2021 में। तो ये हाईएस्ट है पिछले 3 सालों में, और यूएस वॉज द टॉप च्वाइस, मतलब जितने इंडियंस ने भी रिनाउंस की है अपनी सिटीजनशिप उसमें से आधे इंडियंस ने यूएस की सिटीजनशिप मांगी है, ठीक है? इसके अलावा इंडियंस प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप, कनाडा की और यूके की, ठीक है? लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है यूएसए। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एबॉलिश द प्रेसिडेंशियल फ्लैग एंड हिज एक्सेलेंसी टाइटल ऑफ द प्रेसिडेंट? यह है कंट्री श्रीलंका, और अभी श्रीलंका के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है? रेनिल विक्रमसिंघे। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल किसके साथ है? चाइना के साथ। तो कहीं भी आपसे पूछेंगे ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स मीटिंग, कोई भी मीटिंग होती है ब्रिक्स में तो उसको होस्ट कौन करेगा? चाइना। विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू सेंसिटाइज द पैसेंजर्स ऑन देयर राइट? ये है कंट्री यूके, ठीक है? तो अगर फ्लाइट्स वगैरह डिले होती हैं या फिर किसी का सामान खो जाता है एयरपोर्ट पे, तो उनको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, इस चार्टर के थ्रू यही सिखाया जाएगा सिटीजन्स को, ठीक है? तो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली हेल्ड ह्यूमन राइट्स डायलॉग विद विच ग्लोबल ब्लॉक? तो हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अटेंड की 10th राउंड ह्यूमन राइट्स डायलॉग की, कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने बात की ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग फ्रीडम इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी, और किस तरह से जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं उनको सेव करने की ज़रूरत है, राइट? तो सिंपली याद रखिएगा कौन दो लोग इससे रिलेटेड हैं ह्यूमन राइट डायलॉग से, इंडिया और कौन सा ग्लोबल ब्लॉक? यूरोपियन यूनियन। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक बार रिवाइज करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च पे एज यू ड्राइव फीचर फॉर द मोटर इंश्योरेंस? ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इसने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव एड ऑन फीचर मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसीज के लिए, ठीक है? तो जो भी कस्टमर्स कम ड्राइव करते हैं उन्हें कम पेमेंट करनी पड़ेगी इस फीचर के तहत, और गो डिजिट यूज़ करेगा इसके लिए ओडोमीटर की रीडिंग, टेलीमैटिक्स डेटा और एनुअल किलोमीटर, जो कि डिस्काउंट के लिए ये यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है? विच इज़ द फर्स्ट कंपनी टू डायरेक्टली ऑप्टेन एंड इम्प्लीमेंट 5G स्पेक्ट्रम? ये है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी। इसी के साथ ये पहली टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है जिसने कि पब्लिकली एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट्स डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर द कैप्टिव 5G नेटवर्क। और हम जानते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। NTPC हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी इन रिन्यूएबल एनर्जी? तो NTPC ने पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में, और अब ये डेवलप करेंगे एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट? ये है मेटा। विच इंडियन कंपनी इज सेट टू अक्वायर डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस? आंसर हो जाएगा इन्फोसिस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन? तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर विनीत सरन को बनाया गया है BCCI का एथिक्स ऑफिसर और ओम्बड्समैन, ठीक है? तो इन्होंने किसको सक्सीड किया है? रिटायर्ड जस्टिस DK जैन को, जिनका टर्म एंड हो गया था लास्ट ईयर जून में, ठीक है? तो इनकी बात करें तो ये हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। इसके अलावा इन्होंने सर्व किया है एज अ जज इन कर्नाटका एंड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ओम्बड्समैन? इसके लिए किसको चुना गया है? NJ ओझा को। Who was appointed as the new managing director of State Bank of India recently? Answer हो जाएगा Mr. आलोक कुमार चौधरी।
Which of the following actresses has been appointed as गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर? ये है विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज MD एंड CEO? इसके लिए किसको नियुक्त किया गया है? ए मनीमी खलाई. ठीक है. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क्स? आंसर इज समीर खेत्रीपाल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बग्स? तो आंध्र प्रदेश की स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हाल ही में कमेंस किया है अपना पहला सर्वे ब्लैक बग्स के ऊपर अलॉन्ग द स्ट्रेच ऑफ आइलैंड्स इन द गोदावरी. ठीक है. एम क्या है इस सर्वे का? कंजर्वेशन प्लान एक तैयार करना जिसके थ्रू इस इंडेंजर्ड स्पेशीज को सेव किया जा सके. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार देखते हैं. अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट्स एनुअल प्रपोजल्स आर टू बी मेड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज? तो अंडर दिस योजना जो भी स्टेट्स हैं उनको कम से कम 15% ऑफ प्रोजेक्ट को नई टेक्नोलॉजी या फिर नए मटेरियल से बनाना पड़ेगा. ठीक है. एम क्या है? जो प्रोजेक्ट है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, साथ ही फास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज करना रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. याद रखिएगा विजन डॉक्यूमेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2022 को हाल ही में लॉन्च किया गया था मई मंथ में. विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम? तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने कि कनेक्ट कर लिया है अपने सभी रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स को जो कि इक्विप्ड हैं विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस. किसके साथ? एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ. ठीक है. तो जो भी अब ये व्हीकल्स हैं ये ट्रैक किए जा सकते हैं कहीं पे भी पूरी कंट्री में थ्रू VLTD. और इसको कौन ट्रैक कर सकता है? पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. ठीक है. तो जब भी कभी पैनिक बटन ऑन होगा तो एक सिग्नल रिसीव करेगा 112 हेल्पलाइन नंबर थ्रू सैटेलाइट और जो भी पर्सन है डिस्ट्रेस में वो कनेक्ट हो जाएगा पुलिस के साथ. ठीक है. गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कौन से स्टेट की स्कीम है? छत्तीसगढ़. विच स्टेट सेलिब्रेटेड हैप्पीनेस उत्सव टू मार्क द 4th एनिवर्सरी ऑफ इट्स हैप्पीनेस करिकुलम? तो हैप्पीनेस उत्सव सेलिब्रेट किसने किया हाल ही में? नई दिल्ली ने. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पर इन्होंने सेटअप किया है? सिक्किम में. और अगर नॉर्थ ईस्ट हटा दें तो ये इनका दूसरा सेंटर है. पहला इन्होंने कहाँ पर सेटअप किया है? उत्तराखंड में. ठीक है. विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत? इसको हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? राजस्थान में. और किसने लॉन्च किया है? हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन मिस्टर उदय उमेश ललित ने. ठीक है. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं विल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीनू जत्सना साइनिंग ऑफ.